पीती थी वरना तो बीमार नहीं पड़ती। अभी हम आए हुए चरण चौधरी सिंह यूनिवर्सिटी में, हाल बेहाल है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा सुबह से। यहाँ पर होने वाला है आयुर्वेदिक महाकुंभ जो कि 3 days का है। जिसने महाभारत की नींव रखी थी और एक नए इतिहास का सृजन किया। एवरीबॉडी कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। बाय द वे स्मिता दिस साइड। तो अभी हम आए हुए चरण चौधरी सिंह यूनिवर्सिटी में, बिकॉज यहाँ पर होने वाला है आयुर्वेदिक महाकुंभ जो कि 3 days का है। आज day 1 है। तो राइट नाउ अभी हम एंट्री के लिए लाइन में लगे हुए हैं। एक्चुअली ना हम लेट हो गए थे तो एंट्री मिल नहीं रही थी, हमें लगा वापस जाना पड़ेगा, लेकिन थैंकफुली एट लास्ट मिल गई। तो यहाँ से हमें सबसे पहले बैग मिला, उसमें ID कार्ड्स थे, नोटपैड थे, पेन था, टिकट्स थे ब्रेकफास्ट लंच और स्नैक्स के लिए, एंड सर्टिफिकेट्स थे। उसके बाद हमने ID कार्ड्स पहने और चल दिए अंदर की तरफ कॉलेज में। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के लिए हमारे शास्त्रों में एक ही चीज कही गई है, अपने पुत्र के समान पुत्री के सम्मेलन की एक पत्रिका निकलती है। यही मेरठ से कुछ ही दूरी पर हस्तिनापुर है, जिसने महाभारत की नींव रखी थी और एक नए इतिहास का सृजन किया था, आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर दी थी, जिसने इस घोषणा भी की थी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो 4 मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी है वह इस ग्रंथ में है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है और घोष करने वाली होती है। यहाँ पर ये मैं जूते उतार के बैठ रही थी क्योंकि ना बहुत तेज गर्मी लग रही थी मुझे। वाणी पर लगाम नहीं लगा के खुशी बोल जाते, आपने मुझे सुअवसर दिया, यादगार है स्वामी जी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यंत आभारी हूँ और इस रक्षण के लिए सदा रहूंगा। उसके बाद आप लोग अभी 5 मिनट रुके, हमारे मुख्य अतिथि लोग चले जाए। तो स्पीच वगैरह हो रही है और योगी जी भी चले गए हैं एंड हम आ रहे हैं बाहर क्योंकि लंच टाइम हो गया है। इसके बाद वापस से अभी जाना है क्योंकि शाम तक चलने वाला है ये प्रोग्राम। तो चलिए लंच करने चलते हैं। स्पीच खत्म हो चुकी है एंड अभी हमें जाना है ब्रेकफास्ट के लिए, सॉरी लंच के लिए, लेकिन हमें मिल नहीं रहा कहाँ पर है। सबके हाल बेहाल है क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा सुबह से। खाने को तो हमें मिल नहीं रहा तो हम वॉशरूम में ही आ गए सारे। लंच वगैरह करने के बाद हम आ रहे थे स्टॉल्स में, वहीं पास में लगी हुई थी क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट होने में टाइम था तो हम सोच रहे थे स्टॉल्स में घूम के आ जाते हैं। सो या आप भी देखिए।
वहाँ से निकलने के बाद हम एक और जगह रुक गए। यहाँ पर भी मोस्टली ना स्टॉल से लग रही थी, लेकिन यहाँ पर मेडिसिन से रिलेटेड थी सारी, और यहाँ पर फुल बॉडी चेकअप्स भी हो रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें थी। स्टॉल्स वगैरह में घूमने के बाद हम वापस से ऑडिटोरियम में आ रहे थे। यहाँ पर ऑलरेडी प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, स्पीच चल रही थी, बड़े बड़े आयुर्वेदिक वैद्य आए हुए थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें आयुर्वेद से रिलेटेड बताई। तो अभी हम कैंपस में घूम रहे हैं और हम थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, पूरी तरह थक चुके हैं हम। सो स्पीच वगैरह ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पर ना डिफरेंट डिफरेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस आए हुए हैं जिन्होंने अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट किया है। हमारे कॉलेज में भी किया है, मैंने भी किया है, वो आपको आगे देखने को मिलेगा। सो राइट नाउ अभी वही चल रहा है, तो या आप भी देखिए। Say
राइट वन है। आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ तक नुक्कड़ नाटक देखने में। मैंने पहली बार किसी नुक्कड़ नाटक में पार्टिसिपेट किया तो यह अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड मैं पूरा तो नुक्कड़ नाटक नहीं डाल सकती क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ इसके बाद मैं एक क्लिप डालने वाली हूँ बीच में से, वो बहुत ज़्यादा फनी है। सो या आप भी देखिए और इन्जॉय। बहुत दिन हो गए, आज कोई मुर्गा पकड़ के लाया फाइनली डन विद द नुक्कड़ नाटक, जिसका हम इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे थे वो सक्सेसफुली हो गया है। अभी हम जस्ट परफॉर्म करके निकले हैं। शुरू शुरू में ना मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी, लेकिन एट लास्ट सब अच्छे से हो गया है। और इसी के साथ डे वन भी एंड होता है। अभी हम वापस से जा रहे हैं हॉस्टल। सो या चलिए चलते हैं। तो फाइनली मैं कॉलेज पहुंच चुकी हूँ। वैसे हमारा 3 दिन का है महाकुंभ, आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं उसे, मैसअप हो गया था, लेकिन आई थिंक कल सही रहेगा। तो टाइम हो गया है खाने का, काफ़ी टाइम मतलब लेट हो गया, हमें आते टाइम 8 बज चुके हैं ऑलमोस्ट। तो सोच रहे खाना खा के ऊपर जाऊँ। एंड मैं किसी को लेने आई हूँ जो कि बहुत बीमार पड़ चुकी है, क्योंकि मैं हाथ दिखाओ इधर, क्योंकि मैं नहीं थी वरना तो ये बीमार नहीं पड़ती। सो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग गिव अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स। बाय बाय।